गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसे कि हमने कल सेकेंड क्लास का हिंदी फर्स्ट का फोर्थ जो चैप्टर था हमारा, ऊंच रेगिस्तान का जहाज, इसको हमने पढ़ा था और समझा था। और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि इसको आपको पढ़ना है और साथ के साथ इसको याद भी करना है। तो अब मैं आपको नोटबुक में, आपकी फेयर नोटबुक में आपको वर्क देती हूँ जो आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग में साफ सुथरा करना है। जैसे कि अब देखिए, पहले है आपका शब्दार्थ, पीठ का कमल, लंबे बड़े, रोज, प्रतिदिन, फुलाता, मोटा करता, ठीक है। ये आप कौन सी डेट डाल के करेंगे, 16 डेट, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए अब कि बताओ क्या पढ़ा। तो पहला वाला है ऊंट की क्या ऊंची है, तो ऊंट की क्या ऊंची थी, ऊंट की पीठ ऊंची थी। तो फिर दूसरा, ऊंट की क्या लंबी है, तो ऊंट की गर्दन लंबी है। ऊंट कहाँ रहता है, ऊंट रेगिस्तान में रहता है। ऊंट रेगिस्तान का क्या है, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। तो बच्चों, आपका आज का होमवर्क यही है कि आप अपनी फेयर नोटबुक में शब्दार्थ और ये प्रश्न तो बताओ क्या पढ़ा, इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। तो इसके शब्दार्थ और इसके उत्तर मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। क्लियर? थैंक यू।